नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, हम सभी को MP TET वर्ग वन की जो वैकेंसीज थी, वर्ग वन की जो मेंस एग्ज़ाम था, उसकी डेट का बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था और फाइनली अब उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, ये रूल बुक भी जारी हो चुकी है और हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन्हें जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे और जो ये हमारी जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, और उसका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है, ये 18/5/2023 से आपके क्या भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और आप सभी देखिए, जो MP TET वर्ग वन में अपियर हुए थे, ठीक है, और जो क्वालिफाई कर चुके हैं, इस एग्जाम को सिर्फ वही लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनका टेट क्वालिफाई है वही मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप जितने भी लोगों ने जो MP TET था वो एग्जाम दिया था, आप उसमें क्वालिफाइड हो गए होंगे। दोस्तों ये एग्जाम मैंने भी दिया था, सो मेरा भी क्वालिफाई हो गया था और मुझे 106 मार्क्स मिले थे, 106 मार्क्स मेरे आए थे, राइट। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, तो ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो 1/6/2023 तक भरे जाएंगे ये, राइट। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, देखिए 18/5/2023 से ही, यानी कि जब से आप फॉर्म भरेंगे ना उस दिन से ही आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि, तो देखिए इसकी जो अंतिम तिथि होने वाली है संशोधन करने की, करेक्शन की, वो 6/6 होने वाली है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए फीस वगैरह देख सकते हैं, 500 रुपीज़ है, अब देख लेंगे जो भी कुछ है। हाँ यहाँ पे देखो परीक्षा दिनांक एवं दिन दिया हुआ है, तो यार यहाँ पे जो हमारी परीक्षाएं हैं वर्ग वन की वो कब से शुरू होंगी, तो 2 अगस्त से शुरू होंगी, 2 अगस्त से, 2 अगस्त 2023 से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी दी है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने जान लिया इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो देखिए सिलेबस इसमें आगे दिया हुआ है, ये परीक्षा का पाठ्यक्रम, सो लेट्स सी सिलेबस के बारे में जानते हैं। और देखिए ये जो परीक्षा है ये हमारी 100 मार्क्स की होने वाली है, 100 नंबर की ये परीक्षा होने वाली है। और यहाँ पर देखिए हम सिलेबस पर पहुँचने वाले हैं। यस देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, चयन परीक्षा में, चयन परीक्षा हेतु 100 यानी कि 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ प्रकार के होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे जिसमें एक विकल्प सही होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए यहां से हमारा सिलेबस आ जाता है इंग्लिश का। ठीक है, देखिए ये यस, चलिए दोस्तों देखिए ये सिलेबस है ना, ये काफी अब लेंदी हो गया है। ठीक है, अब इसमें टोटल 20 20 यूनिट्स कर दी गई हैं, सो देखते हैं इसमें यूनिट वाइज हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रीडिंग, ठीक है, रीडिंग में क्या आ सकता है आपके लिए, अनसीन पैसेज हैं, फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी डेटा, उसमें जो हमारा अनसीन पैसेज है वो आ सकते हैं। 2 SS कॉम्प्रिहेंशन इंटरप्रिशन इन्फ्रेंस एंड वोकेबलरी, तो ये देखिए हमारा अनसीन पैसेज से, रीडिंग सेक्शन से एक पार्ट दिया हुआ है। यूनिट 2 में देखते हैं, यूनिट 2 में आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशंस कंजेक्शन वर्ब्स एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स आर्टिकल्स, देखिए ये सब हमारा पार्ट 2 में आता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। यूनिट 3 में चलते हैं, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट क्लॉजेस है। ठीक है, यूनिट 4 में चलते हैं, यूनिट 4 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव एक्टिव टू पैसिव डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, तो देखिए ये हमारा यूनिट 4 में दिया हुआ है। और देखिए ये ग्रामर, तो यू नो वेरी वेल ग्रामर मतलब ग्रामर, हमें सारा कुछ ही पढ़ना पड़ता है, उसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, यूनिट 5 में देखते हैं क्या है, यूनिट 5 में कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, क्लोजेस नाउन क्लोज एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज एडवर्ब क्लोज, ये सब इसमें आने वाली हैं। आगे देखेंगे वोकैबुलरी में सिनोनिम है, एंटोनियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, होमोफोन्स हैं, होमोनियम्स हैं, होमोग्राफ्स हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स, ये सब चीज़ें हमारी यूनिट 6 में हैं। नंबर 7 देखते हैं,
यूनिट 7, फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, पैराडॉक्स है, आयरनी है, हाइपरबल है। देखिए ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। आगे देखते हैं यूनिट 8 में, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, सोनेट है, ओड है, एलिजी है, सटायर है। लिटरेरी डिवाइसेज में फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा है। मीटर पढ़ना पड़ेगा हमें, फूट पढ़ना पड़ेगा, सिलेबल पढ़ना पड़ेगा, डिवीजन पढ़ना पड़ेगा और पंचुएशन भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट 8 पर चलते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारा सिलेबस है वो हमारा है जो CBSE बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, जो 9, 10, 11, 12 की बुक्स पर आधारित जो सिलेबस है ये वो दिया हुआ है। यूनिट 10 में देखेंगे द फन दे हैज, ये चैप्टर है एक, ठीक है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड मिरर, माई चाइल्डहुड, अ लेटर टू गॉड, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो देखिए ये आपका जो सिलेबस है वो कहाँ से लिया हुआ है, ये क्लास 9th एंड 10th SCERT MP से, तो ये वहाँ पे जो बुक चलते हैं ना उसी से ये लिया हुआ है, ठीक है, ये मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, लास्ट टाइम तो देखिए जो सिलेबस था वो टैट वाला बड़ा ही ईजी सा था, आई डोंट नोट ना ईजी था नहीं था, बट उसमें बहुत आसानी से हो गया मेरा वो, बट इस बार मेहनत करनी पड़ेगी और आप सभी को भी मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़िएगा, आपको यहाँ पर कुछ अतिरिक्त लाभ मिलता रहेगा। देखिए जो मेरे पास कंटेंट होगा, ठीक है, और जो मैं खुद पढ़ूंगा, सो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ टाइम निकाल के, सो आपको भी इसका अतिरिक्त फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप जो बाकी जो वीडियोज़ हैं उनको आप चेक कीजिएगा, अगर आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो आप उनको अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आगे देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ वी कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग टूथ, द सागा कंटिन्यूज, द ब्राउनिंग वर्जन एंड द एडवेंचर्स, ठीक है, सिल्क रोड, ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो देखो ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, अच्छा वर्क है ये भी। और कल ही मैंने इसमें पढ़ा था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये वर्क पढ़ा था मैंने, ठीक है, तो अच्छा वर्क है ये। इसमें देखिए यहाँ पे हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, उसके दो बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है जोनाथन होता है, एक नाम शिव होता है, ठीक है, तो जो लड़की होती है वो 7 ईयर्स की होती है, जो बच्चा होता है वो 6 का होता है, तो वो ये कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन बी टुगेदर, उन्हें मरने से डर नहीं लगता अगर वो सभी साथ में हैं तो। और देखिए वो एक बहुत बड़ी जो वो रात मतलब कि जो एक वोयाज होती है, एक वो ट्रैवल कर रहे होते हैं सी में, वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, उससे बाहर निकल के आ जाते हैं, जबकि उनको ना बहुत ही उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो नहीं बचेंगे उन वेव्स से, जो काफ़ी बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी। सो यहाँ पे एक छोटा बच्चा लाइन बोलता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन बी टुगेदर। आगे बढ़ते हैं यूनिट 11 पे, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर है, द रेड ट्रैप इंडिगो, द रेड ट्रैप है, इंडिगो है, पोइजन पैनकेक्स है, गोइंग प्लेसेस हैं, ठीक है। यूनिट 12 में आते हैं द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ, द लेक इसलिए ऑफिनेस फ्री, विंड ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट डील सॉरी सील ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील ऑन किलिंग अ ट्री, ये भी हमें पोएम्स पढ़नी पड़ेंगी। ओके चलिए आगे देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, द ट्री अमांडा, पढ़ने पड़ेंगे भाई सभी को हमें। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा ये, ठीक है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं अ फोटोग्राफ, द लबनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड है, फादर टू सन है, ये भी हमें भैया पढ़ने पड़ेंगे, ये पोएम्स हैं और वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम्स। देखिए आप अगर चैनल से जुड़ते हैं ना तो इनसे रिलेटेड जो हमारे वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं, जो हमारे MCQs क्वेश्चन हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आप मतलब आप वर्क को पढ़िएगा और अगर आपको उसका जो आपने उसको पढ़ा है, जो आपको उसके अपनी नॉलेज को चेक करना है, आपको वहाँ पे जो वन लाइनर्स से रिलेटेड फैक्ट हैं पोएम्स रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अ फोटोग्राफ है, द लबनम टॉप है, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन, आगे देखते हैं माई मदर एट 66, पोएम है ये भी, कीपिंग क्वाइट एंड एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा हमें, स्पेशली देखो क्या दिया हुआ है, एलिजाबेथन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, द विक्टोरियन एज, द रोमांटिक एज, द मॉडर्न एज, ठीक है, ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। रेनोवेड ऑथर्स, पोइट्स एंड देयर वर्क्स, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 17 है पोइट्री में, जॉन मिल्टन की पढ़ना पड़ेगा हमें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, WB ईट्स का पढ़ना पड़ेगा, सेलिंग टू बेंजेंटियम, विलियम वर्सवर्थ का पढ़ना पड़ेगा, टिंटन एबे, और जॉन डन का पढ़ना पड़ेगा, जॉन डन का डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है, डेथ बी नॉट प्राउड।
लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और फ्रांसिस बैकन को हमें पढ़ना पड़ेगा, इनका जो एक ऐसे है ऑफ ट्रूथ। स्वामी विवेकानंद का पढ़ना पड़ेगा हमें अवर मदरलैंड्स, और बर्ट्रेंड रसल का पढ़ना पड़ेगा ट्रू सक्सेस। ट्रू सक्सेस यूनिट 19 में देखते हैं। फिक्शन में ई एम फोस्टर का पढ़ना पड़ेगा हमें अपेसिस टू इंडिया, ये एक नॉवल है। चार्ल्स डिकेंस का पढ़ना पड़ेगा हमें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसमें देखिए करेक्टर होता है फिलिप प्रीप। कौन होता है? फिलिप प्रीप होता है। चलिए, फिलिप प्रीप होता है वो उसका नाम। चलो आगे देखते हैं। और विलियम ठाकरे का पढ़ना पड़ेगा वैनिटी फेयर, ठीक है। और यूनिट 20 है ड्रामा। विलियम शेक्सपियर का पढ़ना पड़ेगा हमें मैकबेथ पढ़ना पड़ेगा। विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा। और क्रिस्टोफर मॉलो का डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी हैं, और आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि देखिए, जो मेरा ये चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है, और इस पे जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो वन लाइनर्स हैं, जो एमसीक्यूएस हैं, वो आप सभी के लिए यहाँ मिलेंगे। उससे देखिए दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि मेरा भी जो कंटेंट है वो रिवाइज होता है, और कई बार आप लोगों को भी उससे हेल्प मिलती है। और ऑफ कोर्स मिलती ही है, अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप अपने फ़ोन को तेज़ आवाज़ में प्ले करके रख दीजिएगा, एयरफोन लगा लीजिएगा और सुन लीजिएगा, तो वहाँ पर भी चीज़ें रिवाइज होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही जानना था इम्पोर्टेंट डेट्स, और हमारा जो सिलेबस है रिलेटेड टू एमपी टैट, एमपी वर्ग वन मेंस एग्जाम से जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स मिलती रहती हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।